आपको ये बताती हूँ कि मैं अपना कैमरा कहाँ पे था। आज पहली बार मैं इस वीडियो को बनाती ही थोड़ी ना नर्वस फील आ रही और आपको ना समझ ना आए तो फिर ना हाथ जोड़ के आपसे मामी का निभा रहे हैं। तो सुबह ही सुबह या जब भी मैं रह सकती इसी से मैं मतलब आपको थोड़ा ना कैमरा को सेट कर राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज पहली बार मैं इस वीडियो को बनाते ही थोड़ी ना नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि ये जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ ना ये मेरे काम से थोड़ी सी अलग है। नर्वस क्यों हूँ मैं? वो नर्वस इस वजह से हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तो देखी हूँ नहीं, ठीक है ना, या कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं इस तरीके के वीडियो को बनाने के लिए। आपके ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप ये वीडियो बनाएं, मतलब आप वीडियो को कैसे शूट करते हो, कैमरा कहाँ पर सेट करते हो और आप किस फोन से वीडियो को शूट करते हो, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए उल्टी सीधी जैसी भी बनती है आज बना देती हूँ और जैसी भी बनेगी कोशिश करूंगी आपको समझा पाऊँ। शायद मुझे लग भी रहा कि मैं आपको अच्छे से ना बता पाऊंगी लेकिन फिर भी पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ना मैं अच्छे से समझा दूँ, ठीक है ना। और मेरी इस वीडियो को बनाने से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है, आपके कुछ काम आते हैं तो उससे अच्छा मेरी और कोई बात हो नहीं सकती है। वीडियो को बनाते बनाते कोई गलती हो जाए और आपको ना समझ ना आए तो उसके ना हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले वीडियो को मैं कैसे शुरू करती हूँ। मेरी वीडियो में जो इंट्रो होता है वो ना दो तरीके से दिखाई देता है, मतलब इसके ना दो पॉइंट है। एक तो मेरे वीडियो का इंट्रो होता है ये, मतलब जैसे मेरा किचन है, या तो मैं यहाँ पे सामान रखने के लिए जाती हूँ या फिर सामान लेने के लिए जाती हूँ। और जो दूसरा इंट्रो है वो आता है जीने से, जैसे कभी कभी मैं दूध वगैरह का डब्बा लेके आती हूँ ना तो उसका इंट्रो यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही एंगल मैं किस तरीके से शूट करती हूँ, और यहाँ जीने से जैसे मैं डब्बा लेके आती हूँ और वो लाके मुझे सीधे ऐसे चलते हुए यहाँ पे रखना होता है, ठीक है ना। तो आज वही आपके साथ में शेयर करूँगी मैं किस तरीके से करती हूँ, मेहनत तो ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरे पास है ये तीन ट्राइपॉड, यानी कि फोन लगाने के जो स्टैंड होते हैं, ठीक है ना। तो एक जो ये वाला स्टैंड है ये काफ़ी हाइट का है, मतलब 1.5 मीटर से भी ज़्यादा हाइट का है। कभी कभी दूर से वीडियो को एडिट करना होता है, मतलब शूट करना होता है या दूर से फोकस करना होता है। तो वीडियो को शुरू करने में मेरा जो मेन हाथ होता है, हाथ नहीं है ट्राइपॉड है, ये अहम भूमिका निभाता है। तो सुबह ही सुबह या जब भी मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ तो सबसे पहले इसमें फोन को लगाती हूँ और ये काफ़ी सस्ता भी आ जाता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है बहुत सारे ट्राइपॉड लेना ही जरूरी है। 300-350 रुपए का आया हुआ था और बहुत अच्छा काम कर रहा है, 3-4 हजार रुपए के ट्राइपॉड को मार देता है वास्तव में। एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा मजबूत भी है, इसमें कैमरा सेट करना बहुत ही आसान है। तो ये मैंने आज अपने हस्बैंड का फोन ले लिया था और इसी से मैं मतलब आपको थोड़ा ना कोई एग्जाम्पल दिखाने जा रही हूँ। केवल अपना फोन मैंने ट्राइपॉड में लगा रखा है जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। इसकी क्लियरिटी अच्छी है, पता नहीं लग पाने का। अब ये जो ट्राइपॉड है और ये हमारा फोन हुआ, तो इसमें एंगल चेंज करने का सिस्टम भी होता है ऑटोमेटिकली, ताकि आपके पास होगा तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरी वीडियो शूट होती है वर्टिकल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कैमरे को सेट करते हैं। कैमरे को हमेशा तिरछा ऐसे या ऐसे नहीं सेट करना चाहिए, कैमरे का जो ये एंगल है ना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा। अगर आपने इस तरीके से कर दिया, ठीक है ना, फोकस, तो क्या होता है ना ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा ना बड़ा सा आता है और नीचे का मतलब छोटा सा कुछ अजीब तरीके का आता है, हाँ जी। और इस तरीके से कर दिया तब भी आपकी जो पिक्चर वगैरह होगी ना वो भी अच्छी से नहीं आएगी। तो जो कैमरे का फोकस है ना वो इस तरीके से कर दिया। अगर आप मेरे तरीके की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप किसी रेसिपी को शूट कर रहे हैं और आपको कोई रेसिपी दिखानी है तो सब आप क्या इसको जो है मतलब फोन को इस तरीके से कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें जूम करके दिखानी होती है ना। चलिए ये तो बहुत बारीकी की बात है, जरूरत पड़ेगी तो आपको बाद में बताऊंगी, आप मुझे कमेंट कर देना। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं अपना कैमरा कहाँ पे सेट करती हूँ। फोन लगा दिया है ट्राइपॉड में, ओके ना। सबसे पहले मेरा फोन जो सेट होता है ना, ये मेरी जो टेबल है यहाँ से लेके और यहाँ तक करीब 3 मीटर की जितनी होगी, काफी लंबाई है इसकी, ठीक है ना। खाना मैं यहाँ पे बनाती हूँ और जो मेरा ये कैमरा रहता है ना वो यहाँ पे रहता है, ठीक है, और इस एंगल में मैं फिट करके रखती हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मुझे जीने से आना है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी,
जैसे मुझे जीने से आना है, सुबह सुबह आना होता है इनको करके ना योगा, उसके लिए अगर हमारे कैमरे फोकस यहाँ पे रहेगा ठीक है तो वहां का तो कुछ भी दिखाई देगा। उसके लिए कैमरा हमने ये ऐसे कर दिया, इसका फोकस हमने जीने की तरफ कर दिया, ओके ना। तो चलिए आप पहले ना जीने में से आते देखिए, जैसे मैं यहाँ से चली हूँ जीने में से, ठीक है ना, मुझे समझ लिया ना, मैं आपको सही बता रही हूँ कैसे यहाँ तक आ गई, शायद आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, ठीक है ना। जीने से लेके यहाँ तक और किचन से लेके गैस स्टोव तक का जो मूवमेंट है वो कैप्चर हो चुका है। इस काम को करने में करीब 20 मिनट के जितने लग जाते हैं टाइम लगेगा, एडिटिंग या शूटिंग करनी आ जाएगी तो फिर आसानी रहेगी करने में, जल्दी हो जाएगा। ये इतनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है कि फोकस किस तरीके से करते हो और कैमरा कहाँ पे रखते हो। तो आपने देखा ना मुझसे कैमरे की दूरी कम से कम इस टाइम 2 मीटर से ज्यादा की है, ठीक है ना, 2 मीटर से ज्यादा की दूरी रहेगी। छोटे वाले फोन से ही मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। अब हमें रेसिपी दिखानी है, मान लो हम कोई चीज बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज यहाँ से उठानी है, चलिए दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैं इधर को कर देती हूँ फोन, इसको इधर करती हूँ, चलो हमारे यहाँ तक का काम खत्म हो गया है। अब मुझे चीज यहाँ से उठानी है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा फोन यहाँ पे रखा हुआ है और इस फोन में इस कैमरे में ये मूवमेंट नहीं आ रहा है, उसके लिए हम थोड़ा सा कैमरे को घुमा लेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसके फोकस का, और ये चीज यहाँ से उठाएंगे, उठा लिया जैसे। अब ये चीज हमें यहाँ पे रखनी है और हम चाह रहे हैं कि ये हमारी वीडियो में भी आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, वहां से उठा लिया हमने चीज को, अब हम फिर से कैमरे का फोकस यहाँ पर कर देंगे ताकि हमारे कैमरे में ये मूवमेंट कैप्चर हो। फिर से चीज को वापस रख के और बस फिर से उसको उठा के और यहाँ पे रख देंगे। अब ये जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो खुराफाती हुई है, जो भी शरारत हुई है, कुछ भी बोल सकते हो, उसको हम कट कर देंगे। तो हमने चीज यहाँ से उठाई और यहाँ पे रखी, बहुत अच्छी लगती है ये देखने में, ठीक है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको सही तरीके से समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, आप समझदार हो समझ लीजिएगा, या कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर रह जाए ना तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, एक छोटी सी वीडियो बना के बता दूंगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का काम हो चुका है, ओके ना। अब बारी आती है गैस स्टोव। मेरी वीडियोज में आपको 3-4 तरीके के फोकस दिखाई देते हैं, मतलब जो दिशाएं होती है डायरेक्शन, मतलब कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, ठीक है ना, वो भी बताते हैं। कैमरा उठाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, अगर आपके कैमरे में ये अच्छे से आ रहा है यहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक चीज होती है, मेरी वीडियोस को बनाने में ये मेरी मम्मी का दिया हुआ पीला अहम भूमिका निभाता है और ये आपसे जल भी चुका है। तो ये वाला जो छोटा मेरा ट्राइपॉड होता है, जब इसकी हाइट कम पड़ जाती है तो मैं इसे इसके लगा दू, ठीक है ना, और ऐसे रखती हूँ, ठीक है। अब हमें मान लिया तड़का लगाना है, तेल डालना है, ढक्कन लगा, इसको थोड़ा सा तिरछा किया, मान लेते हैं इसका मतलब फोकस सही तरीके से कर दिया, इसमें सही तरीके से आ रहा है, यहाँ पे काम करने लगे। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जैसे तड़का ही होता है, बहुत सा तड़का जल्दी से बन जाता है तो उसके मूवमेंट को नहीं इतना फास्ट हम कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन हाँ मान लेते हैं कुकर में कढ़ाई में भगोने में तेल डालने हैं, तेल उठाया थोड़ा सा इसको इधर करा, पहले तेल पे फोकस लगाया, जहाँ पे मतलब तेल का डब्बा डब्बी और कुछ उठा रहे हैं वो उठाया, उठाते हुए फोकस हो गया, थोड़ा ऐसे कर दिया, हाथ को रोक दिया, फिर हमने कैमरे का फोकस इधर करा, इधर को किया, ठीक है ना, घुमा दिया, इसमें तेल डालने लगे, तेल थोड़ा डालिएगा, थोड़ा तेल डाला यहाँ से तो हो गया है। फिर अगर आपको डायरेक्शन घुमानी है इसकी तो आपको क्या करना है, मैं तो ऐसे कर लेती हूँ, इधर का चूल्हा मेरा हमेशा ना खाली रहता है, यहाँ से मैंने इसको फोकस किया, थोड़ा तेल डाला था मैंने, ज्यादा नहीं डाला था, गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा, ऐसा ना हो कहीं आग लग जाए। फिर से हमने तेल डालना शुरू कर दिया। अब ये जो बीच की क्लिप थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा हुई है कैमरे को रखने में और मतलब फोकस करने में, उसको एडिटिंग के साथ कट कर देनी है तेल डाल, ठीक है ना, तेल हमारा डल गया। अब हमें तीसरा फोकस दिखाना है, इसको हटा देते हैं, ऐसे ही वीडियो आपके पास नहीं आ जाती है, बहुत जल्द करने होते हैं। फिर से हमने अपना ही पीला इधर रखा, फोन उठाया और इस एंगल से, ठीक है ना, इस एंगल से हमने तेल गर्म होता हुआ दिखा दिया। अब तेल को डालने में और गर्म करने में 3 एंगल आपको मिल चुके हैं, ठीक है, मिल गया ना,
एक एंगल ये, एक एंगल वो और एक एंगल ये, ओके इतना हो गया। अब चलिए अब मैं इसको पीढ़ी के साथ ही रखूंगी क्योंकि मेरी जैसी थी ना इसके तरह केस हो गया। अब मैं इसको फिर वापस रख दिया, इसका एंगल सीधा कर देंगे, ओके ना। और अब चलूंगी मैं किचन में क्योंकि किचन में से मैं सामान उठा के लेके आऊंगी ना, इसका ध्यान रखेंगे, इसका फोकस लगा के रखेंगे क्योंकि किचन में जाना है, गैस का फ्लेम कम करके रखेंगे। मैंने तो नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, फिर से ये भागे जाते मैंने काम बन जाएगा बाद में। अब मैं किचन से आ रही हूँ अपनी मसाला दानी लेके, इसमें मसाले डालने के लिए। चलिए ये मसाला दानी लेके आ गई, इसको ढाक के रख दिया, ओके मसाला दानी का ढक्कन खोल दिया और हमने इसमें से चम्मच उठा ली मसाला डालने के लिए। मसाला दानी ऐसे पकड़ी, चम्मच उठाई, जीरा धनिया जो भी कुछ है तड़का लगा रही वो नीचे डाले, उसको ऐसे किया और यहाँ तक लेके गए, यहाँ तक ही लेके जाना बस, ठीक है। रोक दिया हमने हाथ को, अपना वापस रख लेते हैं धोखा देने के लिए लोगों को। और इसको पेड़ को उठाएंगे और फिर से फोकस यहाँ पे रखा देंगे, ठीक है। और जब हमने ये चम्मच पकड़ी थी मसाला यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर हमें दूसरा मसाला डालना है, थोड़ा सा पीड़े को खींच पाएंगे, फिर डायरेक्शन थोड़ा सा एंगल इसका चेंज कर देंगे, थोड़ा सा मतलब कभी एकदम सीधा दिखाई दे कभी थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे, दूसरा मसाला तब डाल देंगे। फिर तीसरा फोकस के लिए कैमरे को उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, इस तरीके से करके करना है हमें। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई या मीडियम करके मत रखिएगा, कि ऐसा ना हो वीडियो के चक्कर में रेसिपी या चीज खराब हो जाए। ये पूरी केवल एंगल की बात, ठीक है ना। कैमरा आपको बिल्कुल सीधा रखना है, जैसे मैं सीधी खड़ी हुई हूँ ना, इससे जैसे हम शूट कर रहे हैं वहां पे रख के, तो ये बिल्कुल ना सीधा रखना है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल सीधा ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे नहीं आओगे, मतलब ठीक तरीके से नहीं आओगे, ऐसे पैकेज हो जाओगे इस तरीके से। और अच्छा एक चीज और दिखा आपको, इसको रख देती हूँ, इसको यहाँ पे रख देती हूँ। कितनी बार क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, मेरे वीडियो में आपको बहुत मिल जाएंगी। मान इसका ढक्कन खोलना है सबसे का, और इसके अंदर घी है, और हम चाह रहे हैं कि वीडियो में हमारा घी की क्लिप भी आ जाए, जहां से हम घी को उठाएंगे, घी नहीं लेते मैं जाके लेते, उसमें चम्मच डालनी पड़ जाएगी। यह है मेरा अचार, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी वीडियो में अचार की जो मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ वो ना बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए। ये मैंने अचार रखा, ये हमारा कैमरा लगा हुआ है, इसको नहीं करके लेके आए, अगर कैमरा अच्छी क्वालिटी का है तो दूर से भी जो जूम क्वालिटी होती है वो अच्छी हो जाएगी, अगर मेरे तरीके का कैमरा है तो दूर से जूम क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, उसके लिए आपको थोड़ा ना नजदीक से फोकस करना पड़ेगा, कैमरे को ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देना है, इसका फोकस लगाएंगे इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करके फोकस मार देंगे वो तब से आता ही होगा, और धीरे से इसका ढक्कन उठाएंगे, उठा दिया है ना, फिर इसका एकदम एंगल चेंज कर देंगे, कर दिया ना, और फिर ये चम्मच ऐसे उठाते हुए दिखाएंगे ये, ओके इतना हुआ। फिर से क्या करेंगे, अब हम एकदम से इसको लेके जाएंगे थोड़ा दूरी पे, इसको सीधा कर देंगे, कर दिया, इसको थोड़ा आगे कर लेंगे, ठीक है। अब हमने जिस तरीके से सब उठाया था सेम स्टेप को भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से उठाएंगे, वाह ये लीजिए। मेरी वीडियो में आपको ये एंगल मिलता है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये वाला, ठीक है ना, ठीक है, आपकी समझ में आ गया। अब मैं रख दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है, क्या पॉइंट में कट करूंगी और क्या आपको दिखाऊंगी ताकि आपके ना अच्छे से समझ में आ जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मुझे वीडियो को ना एंड कर देना चाहिए, और अगर कुछ बातें रह गई है ना तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ना कोई 100 वीडियो बना दूंगी, मैं बताने मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं थी, पता नहीं मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि नहीं समझा पाई हूँ, एक बार फिर से मोटा मोटा सा बता देती हूँ, ठीक है ना। ये जो हमारी टेबल है करीब 3 मीटर की इतनी होती है, ओके मैं यहाँ पे रहती हूँ, इतना एंगल मेरे वीडियो में आपको नजर आता है, इंटू मेरा किचन से होता है फिर किचन से होता है वो मैंने आपको बता दिया है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा कैमरा दूर रहना चाहिए मेरे से करीब 1.5 किलोमीटर, नहीं 1.5 किलोमीटर नहीं 1.5 मीटर ओनली, यहाँ से वहाँ केवल 1.5 मीटर, ओके ना।
फिर उसके बाद हमें चूल्हे पे काम करना है। मान लो पराठा बना रहे हैं चूल्हे पे, वो चाहे मैं नीचे बेल रही हूँ तो उठा के कैमरा हाइट के हिसाब से कुछ इसके नीचे रख सकते हैं हाइट के लिए, जैसे मैंने फिर डाला था यहाँ से ले जाइए। एक फोकस हमारा ये हो गया एंगल मतलब, ठीक है कि एक एंगल हमारा यहाँ से लेंगे थोड़ा सा तिरछा करके, ओके ना, एक एंगल हम यहाँ से लेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि चूल्हे पे रखना आपको जरूरी है अगर आपके पास सुविधा है। मेरे पास कोई खास सुविधा नहीं है, मैं तो इसीलिए अपनी सुविधा ढूंढ लेती हूँ। एक एंगल हम यहाँ से ले लेंगे, एक दो तीन, तीन एंगल तो ये हो चुके हैं, चौथा एंगल जो मेन एंगल होता है वो वहाँ से बिल्कुल सीधा आ चुका है, ओके ना। तो बस ये आपको चार एंगल का ध्यान रखना है। क्लिप आपको थोड़ी ना क्लियर कैसे लेनी है, एक चीज आपको मैं बता देती हूँ वो क्या है। जब आप वीडियो शूट करते हो ना तो आपको कैमरे की तरफ बार बार नहीं देखना है, इससे वीडियो ना बराबरी सी भी लगती है और फिर आपका काम में से ध्यान भी हट जाता है। मैं जब वीडियो शूट करती हूँ ना मैं पूरा ध्यान केवल अपने काम पे लगाती हूँ, ना तो मैं ये लगाती हूँ कि मैं आपको कैसी दिखाई दे रही होगी, सुंदर लग रही हूँ या मैं कैसी नहीं लग रही हूँ, कितनी बार आपके कमेंट भी आ जाते हैं, कैसे कैमरे के सामने आ जाते हैं, तो मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं वहाँ पर अपना कैमरा सेट कर देती हूँ और बस मैं अपने काम पे लगी रहती हूँ, ओके ना। जब मुझे थोड़ा बहुत एंगल चेंज करना होता है, जूम की क्लैरिटी करनी होती है, क्वालिटी जूम 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 वीडियो करनी होती है, ठीक है ना, बस तभी मैं कैमरे को हाथ लगाती हूँ उसकी तरफ को देखती हूँ, बाकी नहीं देखती हूँ, सी करती हूँ। अब मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देती हूँ, ये थोड़ा सा आगे रख लेती हूँ, शायद मुझे ये क्लिप अपने थंबनेल में लगानी पड़ जाए। हाँ मैं आपको एक बार और क्लियर से बता देती हूँ, मैं जिस कैमरे से जिस फोन से अपनी वीडियो को शूट करती हूँ तो ना तो मेरे पास कोई कैमरा है ना ही मेरे पास कोई महंगा फ़ोन है। हाँ मेरे हिसाब से वैसे है भी महंगा, मेरा तो ये फ़ोन है जिसे अभी मैं लाइव में शूटिंग कर रही हूँ, 33-34 हज़ार रुपये का फ़ोन है ये। और फोन की अगर मैं बात करूँ IQOO शायद सेवन प्रो है, देख के मुझे ना नाम भी अच्छे से पता नहीं है क्योंकि मैं फ़ोन शौक के लिए नहीं रखती हूँ, केवल अपने काम के लिए रखती हूँ। IQOO यानी IQOO ये फ़ोन है मेरे पास जो कि वीवो और IQOO ने मिलकर बनाया हुआ है। इसकी जो क्लियरिटी है ना मैं बोल रही हूँ बेस्ट है, मैंने कैमरा तो इस्तेमाल नहीं किया है आज तक लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कैमरा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं कैमरा लेने की सोचती हूँ ना 1-1.5 लाख रुपये का कैमरा आता है अगर सही सा लूँगी ठीक ठाक सा, और जो मेरा ये फ़ोन है 30-35 हज़ार रुपये का होगा। अब तो ये फ़ोन ना थोड़ा सस्ता भी हो रहा है, अगर आप अपने वीडियो को मतलब अगर आप कोई चैनल बनाना चाहते हो और वीडियो शूट करना चाहते हो मेरी तरीके की या कोई भी किसी भी तरीके की जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो और आप सोच रहे हो कि मैं खर्चा कर लूँ, तो चैनल बनाने से पहले आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, जो भी सुविधा जो भी चीज़ आपके पास है ना आप उसी से ही सारा काम करोगे जब तक ये यूट्यूब या ये फोन अपने आप से आपको पैसे देने नहीं लग जाता। फालतू फालतू का खर्चा मत करिएगा, जो भी 8-10-12 हज़ार रुपये का आपके पास फोन है लेने की सोच रहे हैं तो इससे ज़्यादा महंगा फोन लेने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, और बस इस तरीके का एक ट्राईपॉड ले लीजिएगा करीब 200-250-300-350 रुपये तक का फोन ली, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लेना है कुछ भी, ठीक है ना, यही काम कर देगा। अगर आप इसी से कामयाब हो जाते हैं और इसी से पैसे अर्न करने लगते हैं तब आप अपने सपनों को पूरा कीजिएगा, किसी कैमरे का, किसी महंगे से ट्राईपॉड का या किसी भी चीज़ का। मेरे पास आज तक 3 ट्राईपॉड हैं जबकि ये मैं अच्छा नहीं है, इसके तो मैंने मल्लम पट्टी भी कर रखी है, कपड़ा वगैरह बांध के फिट बनाया हुआ, इसका इस्तेमाल मैं कम करती हूँ, छोटे वाले का सबसे ज़्यादा करती हूँ। जिससे मैंने ये फ़ोन लगाया हुआ है इसका भी इस्तेमाल कम ही होता है, जैसे कि आज हो रहा है यानी कि कभी कभी होता है। ये वाला जो ट्राईपॉड है ना बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट, मजबूत भी है, आपके बजट में आ जाएगा, ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आज तक भी कुछ ज़्यादा खर्चा किया नहीं है, ठीक है ना। जितना मेरे पास है जो भी कुछ है मैं उसी से ही काम कर लेती हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसा लगता है कि आज मैं कैमरा ले सकती हूँ लेकिन मेरा काम इसी से चल रहा है तो इसी से चला लूँगी, घर में और बहुत खर्चे होते हैं उनके ऊपर खर्च कर देते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब से मुझे कितनी इनकम होती है कोई ध्यान नहीं करती मैं, कर लूँगी अब ना मैं वीडियो में एंड करती हूँ।